दोस्तों, आमना सामना मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। अल इंसाफ फाउंडेशन द्वारा 17 दिसंबर रविवार को बांद्रा पूर्व में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। जी हां, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है अल इंसानियत अभियान, जिसकी शुरुआत जाने माने मुफ्ती साहब, धार्मिक गुरु, स्पिरिचुअल लीडर जिन्हें कहा जाता है, मुफ्ती सालिम साहब ने इसकी शुरुआत की है। आइए जानते हैं, इस समय हमारे साथ वो मौजूद है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इस अभियान का मकसद क्या है, इस अभियान की शुरुआत आपने कब की थी और किस तरह का संदेश ये अभियान देने जा रहा है जनता को? असल में सन 2010 से हम लोग ये मुहिम पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जो अपने मुल्क के अंदर जो तरह तरह की जो गलत फहमियाँ बढ़ रही है, जिससे मुल्क के अंदर नफ़रत का माहौल देखने में आता है, दंगे फसाद का माहौल नज़र आता है, तो हम लोगों ने ये कम्युनिकेशन गैप को दूर करने की कोशिश की है कि सभी मज़हब के लोग, सभी मसलक के लोग और सभी सियासी दल के लोग एक जगह पर आकर एक हिंदुस्तानियत का सबूत दे, तिरंगे का सबूत दे। वो तिरंगे को इकट्ठा करने का नाम है इंसानियत अभियान कॉन्फ्रेंस। तो इसका मकसद ये है कि जगह जगह के ऊपर जो हालात बिगड़ते हैं हमारे बच्चों की नादानी की वजह से, गलत मैसेज वायरल होने की वजह से, गलत इन्फॉर्मेशन जाने की वजह से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम समाज में अवेयरनेस लाते हैं, सभी धर्म के धर्म गुरुओं को लाते हैं और उनके फॉलोअर्स के अंदर एक अच्छा मैसेज भेजने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये सन 2010 से हमारी कोशिश जारी है। सन 2014 से हम मुस्तकिल इसकी कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हम लोगों ने जारी रखा है और पूरे मुल्क के अंदर हमको इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी मज़हब के तरफ से हमको इसमें बहुत खुशी और वेलकम मिल रहा है। हम जहाँ तक मुफ्ती साहब 17 दिसंबर के इंसानियत अभियान कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो कौन कौन लोग इसमें शिरकत करने जा रहे हैं, किस प्रकार का यह कार्यक्रम होगा, जरा दर्शकों को आप बताइए। असल में ये जो 17 दिसंबर को जो कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, उसके अंदर कई सारी अहम चीज़ें आ रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ऑल इंडिया इंसानियत अभियान कॉन्फ्रेंस जो है, उसका नाम है 101 साल हम सब एक साथ, ऑल इंडिया इंसानियत अभियान कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के कई सारी रीज़न्स है, जो कि मैंने आपको रीज़न बताया कि अपने मुल्क में अमन व अमान को बाकी रखने के लिए ये फाउंडेशन तो काम कर ही रहा है, लेकिन उस मुहिम के साथ में एक बहुत बड़ी तारीख और हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जो 17 दिसंबर को मुंबई में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि खासतौर से मुंबई वासियों के लिए और महाराष्ट्र वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे मुंबई शहर में 1916 दिसंबर के महीने में एक बहुत अहम आज़ादी की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई थी। अंग्रेज़ लोगों ने जहां पर मुस्लिम को अलग बहकाना शुरू किया था, हिंदुओं को अलग बहकाना शुरू किया था, सिख लोगों को अलग बहकाना शुरू किया था, दलितों को अलग बहकाना, राजपूतों को अलग बहकाना शुरू किया था, तो उस तमाम डिस्टर्ब को और एक दूसरे के दरमियान की गलत फहमियों को दूर करने के लिए हमारे हिंदुस्तान के जंगे आज़ादी के जो लीडर्स हैं, उन लीडरों में से कुछ लीडरों ने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि हमें सभी धर्म के जिम्मेदारों को बुलाकर ये बात समझानी ज़रूरी है। जो अंग्रेज़ लोग एक दूसरे को बहका रहे हैं कि दोबारा मुस्लिम का राज आ जाएगा, या मुसलमान को कहते थे कि हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है, हिंदुओं का राज आ जाएगा, इस तरह से ये जो मिस मैसेजेस की वजह से आज़ादी में हिंदुस्तानी जो है एक जगह पे एकजुट नहीं हो पा रहे थे, तो ये लखनऊ पैक्ट जो है ये हिंदुस्तानी भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर जंगे आज़ादी में जोड़ने का बहुत अहम रोल अदा कर रहा था। तो उसके लिए बाल गंगाधर तिलक साहब है, जीना है और भी दीगर जितने अपने उसमें हजरात हैं, सभी कद्दावर नेता मुंबई में जमा थे उसकी बुनियादी मीटिंग। उसके बाद जो सेकंड मीटिंग हुई, जो अहम मीटिंग है, वो लखनऊ में हुई थी 31 दिसंबर 1916 को। हमने गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर 2016 को लखनऊ में जाकर उसकी सालगिरह मनाई, क्योंकि लखनऊ में वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुंबई में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बुनियादी कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए हम उसको उस साल में नहीं मना पाए। तो हम लोगों ने ये तय किया था कि 2017 के अंदर हम इसको 101 साल हम सब एक साथ, यानी हम सभी मज़हब के लोग, तमाम शरारत करने वालों की शरारत के बावजूद एकता और अखंडता और प्रेम और भाईचारगी और इंसानियत के साथ में जीते रहे हैं और जी रहे हैं, और हम हिंदुस्तान को जातिवाद में बटने नहीं देंगे,
जातिवाद दंगों से जलसने झुलसने नहीं देंगे, जलने नहीं देंगे इस आग से। इसीलिए इस आग से बचाने के लिए वो तारीख को जो 1916 में हमारे बड़ों ने और हमारे पुरखों ने की थी, उनकी याद ताज़ा करने के लिए मुंबई के सरजमीन के ऊपर दोबारा से ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसमें मैं गुजारिश करता हूँ पूरे मुंबई वासियों से, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदारों से, तमाम मजहब के मानने वालों से कि ये मजहब की बात नहीं, ये पार्टी की बात नहीं, ये मसलक की बात नहीं, ये हमारी इंसानियत और अपने देश की अखंडता और उसकी हिफाजत की बात है। मुंबई वासियों को ये बताइए कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस कार्यक्रम में मेहमान खुशी के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने जा रहे हैं। इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमने एक महीना पहले उद्धव ठाकरे साहब जी, जो अपने मुल्क की एक बहुत बड़ी शख्सियत है और बहुत समझदार और होनहार आदमी है, जो बोलने से पहले बहुत तोलते हैं और जाने से पहले बहुत जगह सोचते हैं, ऐसी एक हसास शख्सियत ने इसकी ज़रूरत महसूस की कि वाकई 101 साल हम सब एक साथ वाली जो कॉन्फ्रेंस है, ये मुल्क के हित में है, ये पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसके अंदर हमारा साथ दिया और वो हमारे चीफ गेस्ट है। भैयू जी महाराज साहब से भी हमारी बात चल रही है, उनके पीए साहब से भी हमारा कन्फर्मेशन है और उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है कम से कम 8 दिन से। हम अल्लाह वाला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आसानी करे। उसी तरह स्वामी धर्मबंधु साहब, ये बहुत बड़े धार्मिक गुरु ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, हमारे महाराज उदयन राजे भोसले साहब जो शिवाजी साहब के वंशज में से हैं और एक बहुत काबिल शख्सियत है और शिव जितने जो शिव भक्त लोग हैं, शिवाजी साहब के मानने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि शिवसेना के प्रमुख भी आ रहे हैं और शिवाजी साहब के वंशज भी यहाँ पर हाजिर हो रहे हैं। तो मैं विनंती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो शिव सैनिक हो या शिवाजी के भक्त हो, वो ज़्यादा तादाद में आए और उस मोहब्बत के मैसेज को, जिस मोहब्बत के मैसेज को हमारे बड़ों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, उसको लेकर आगे बढ़े और मुल्क की सलामती के लिए हम लोग हमेशा आगे रहें। एकता हमारे मुल्क की हिफाजत का सबसे पहला कदम है। जी बिल्कुल, मुफ्ती सालिम यमनी साहब ने साफ बता दिया है कि एकता हमारे मुल्क की सुरक्षा और हिफाजत के लिए सबसे पहला कदम है। साथ ही मुंबई वासियों को उन्होंने जानकारी भी दी कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य का क्या है और किस तरह का स्वरूप उन्होंने तैयार किया है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अल इंसाफ फाउंडेशन के मुंबई यूनिट के अध्यक्ष है, फैजल बनारस वाला साहब। आइए उनसे जानते हैं कि सर किस प्रकार की तैयारी अभी तक कार्यक्रम की हो चुकी है और क्या मकसद है, इसका क्या मैसेज मुंबई वासियों को आप देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि रابطہ अल इंसाफ पब्लिक फाउंडेशन बड़े अच्छे अंदाज में सैकड़ों लोग एक साथ होकर इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और रही बात मुफ्ती सालिम साहब, जो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरे भारत में ऐसे कम से कम 15 जलसे अब तक इन्होंने कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका मकसद हमेशा मोहब्बत, इखलाक, खुलूस, लेकिन इन सबसे बढ़कर इस बार जो ये मैसेज जो देने की कोशिश की है इन्होंने, ये इंसानियत के ऊपर दिए। और इंसानियत, मानवता एक ऐसी चीज़ है, इंसान अगर मैं मुसलमान हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि मेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिदें बनाई है, घर के अंदर ऐसी तालीम मैं अपनी औलादों को दे सकता हूँ, ये हो गया मेरे धर्म की बात। अगर हिंदू है तो उसके लिए मंदिर है, पूजा करने के लिए उसका एक दर्शन करने के लिए एक आस्था की जगह है, लेकिन एक ज़मीन पे जब इंसान कोई निकले तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत ही सोचना चाहिए। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये इंसानियत का जो पैगाम मुफ्ती सालिम साहब ने जो ये मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं ये सब अपनी अपनी एक शख्सियत है। यह और बात है कि कुछ सियासतदान लोग इसको गंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूं कि ये सारी सियासतदान जो गंदी करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मोहब्बत, इखलाक, खुलूस, तहजीब और इंसानियत क्या चीज़ होती है, ये उस जगह पे सबको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एक शख्स नहीं है, इसके अंदर जैन गुरु भी बहुत बड़े संत आ रहे हैं और बड़े धार्मिक लोग आ रहे हैं इसके अंदर, बड़े आलिम दानिश्वर लोग आ रहे हैं इसके अंदर इस जलसे को कामयाब करने के लिए। और ये कामयाबी कोई हमारी अकेले की नहीं है,
ये मुल्क की कामयाबी है। और मुल्क की कामयाबी के लिए जिस तरह से जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अल इंसाफ फाउंडेशन को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और इस मुंबई कर ने तो हमेशा है ना एक कुर्बानी देता हुआ आया है हर दौर के अंदर, और एक इतिहास रचा है। 1916 का भी इतिहास था जो अभी मुफ्ती सालिम साहब ने बताया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब और तमाम लोग उस वक़्त थे, और एक इतिहास के ऊपर जो अंग्रेज़ों की चाल थी उसको मुँह तोड़ जवाब उन लोगों ने एक लखनऊ पैक नाम करके दिया, और इस अंदाज में हमें आज़ादी दिलाई कि आज हम बड़े खुशगवार अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। और हालात हम लोगों को ऐसे महसूस होने लगे कुछ चंद बरसों से कि कुछ हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि लोगों के दिलों से मोहब्बत, इखलाक, खलूस और इंसानियत ख़त्म हो रही है। तो उसको अंकुश लगाने के लिए, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए अल इंसाफ पब्लिक फाउंडेशन अपना पूरा काम कर रहा है, और बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं कहता हूँ ये जलसा एक मुकाम तक पहुँचेगा और लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएगा मोहब्बत, इखलाक, खलूस और इंसानियत के लिए। बिल्कुल, देखिए फैज़ल बनारस वाला ने एक अहम बात कही है कि ये जलसा, ये कार्यक्रम मोहब्बत, इखलाक और एक खलूस ले आएगा लोगों के बीच में। अब सभी की नज़रें टिकी हुई है कि ऑल इंडिया इंसानियत कॉन्फ्रेंस जो कि 17 दिसंबर को मुंबई में होने जा रही है कहाँ तक कामयाब होती है और कहाँ तक जनता के बीच में ये इंसानियत का मैसेज पहुँच पाता है, इसी का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। आमना सामना मीडिया नेटवर्क के लिए राशिद अजीम के साथ अलीम शेख, मुंबई।